जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, और चैप्टर 7 समाकलन, ठीक है। तो 7.2 का ये लेक्चर नंबर 7 है और यहाँ से हम लोग आज इसमें 31 से 35 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गंवाते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 31 नंबर सवाल को सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कितना लिखा हुआ है, साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हम नीचे वाले को हम मान लेंगे दोस्तों, क्या मानेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को हम p मानेंगे, ठीक है। तो 1 का तो 0 हो जाएगा अवकल, और साइन कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट माइनस साइन लिखेंगे क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, और इधर dx लिखेंगे, इधर dt लिख देंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस dx को इधर छोड़ देंगे, साइन को भी छोड़ेंगे, साइन एक्स और dx को छोड़ेंगे इधर, क्यों, क्योंकि x साइन एक्स का, x और साइन एक्स और dx का मान क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और इधर से माइनस को हम उधर भेज दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान हम क्या करेंगे, भर देंगे, कितना हो जाएगा, x, देखिए साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स का मान हो जाएगा माइनस dt, यहाँ पे माइनस dt हम रख देंगे इसके और इसके जगह पे, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1, और नीचे इसको आपने माना है t, आई स्क्वायर कितना है 2 है, मतलब पावर 2 है, तो पावर 2 दे दीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा, और नीचे से ये ऊपर चला जाएगा, तो t इनवर्स हो जाएगा dt। अब आपको पता होनी चाहिए कि इसमें एक जुड़ता है ना, पावर जो है कितना है, पावर 2 है, तो 2 में एक जोड़ देंगे, ऊपर जोड़े तो नीचे भी जोड़ना पड़ेगा मेरे को, माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस टी के पावर माइनस एक बटा माइनस एक प्लस सी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी के पावर माइनस एक बचेगा प्लस सी, अब इसको हम लिख देंगे एक बटे टी प्लस सी, और एक बटे टी का मान होता है 1 प्लस कॉस एक्स, देखिए यहाँ पे हमने माना है जो टी का मान भर दिया, प्लस सी कॉन्स्टेंट, ते ही रहा आपका राइट आंसर। देखिए कितना इजी तरीका से हमने अच्छी तरह से आपका 31 नंबर क्वेश्चन को उड़ाया, धुआं धुआं उड़ा दिया। तो चलो अब देखते हैं 32 नंबर, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो 32 नंबर क्या, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी तरीका से। तो देखिए 1 बटा 1 प्लस कॉट एक्स है, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो 1 बटा 1 प्लस कॉट का सूत्र आप 10 क्लास में पढ़े थे, कॉस बटा साइन होता है ना, तो आप इस साइन, अब हम नीचे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बटा एक लगाकर, तो साइन एक्स, ये साइन एक्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एक में कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, डीएक्स है तो डीएक्स। अब क्या करेंगे, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा आपका साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डीएक्स। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, तो 2 से गुना 2 से भाग करेंगे इसमें, ठीक है, 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, प्लस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स यहाँ पे हो जाएगा डीएक्स। अब देखिए हमने इतना काम कर दिया ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस साइन 2 को हो गया तो हम 2 बार साइन का यूज कर सकते हैं, तो हम एक बार 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 रहने देंगे, एक बार हम कर दिए यूज, ठीक है, एक बार हम कॉस जोड़ लेते हैं, फिर एक बार और साइन को लिख दिया, एक बार माइनस कॉस अपना जोड़ दिया, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम लिख देंगे dx, और बटा कितना है, साइन बटा कॉस, साइन बटा साइन प्लस कॉस, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, बात को समझिए, हमने क्या किया, तो साइन है ना 2, तो 2 साइन लिख दिया, एक साइन यहाँ एक साइन यहाँ, तो 2 को साइन हो गया, ठीक है, जो बात था, और एक बार हम कॉस प्लस किए एक बार माइनस किए, फिर कॉस से कॉस काटेंगे तो फिर इतना 2 साइन आ जाएगा, अब सूत्र में लाना था इसलिए इतना हम काम कर दिया। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक एक बार इसमें भाग, और एक बार यहां से लेकर यहां तक इसके साथ अलग अलग तोड़ देंगे, एक बटे दो और लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक बार हम अलग कर दिए, राइट, ये बात हम कर दिए ना अलग, एक बार अलग कर दिए, और बच गया कौन, ये वाला बच गया। तब हम क्या करेंगे, हम देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमने सॉल्यूशन कर ही दिया, ठीक है, और इसका हम सॉल्यूशन कर ही रहे हैं, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, प्लस इसके साथ एक बटा दो लगा है ना, एक बटा दो तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो यानी एक बटा दो यहाँ भी हो जाएगा, तो एक बटा दो लिखेंगे,
और कितना है ऊपर ये वाला, इसके साथ तो हो गया, अब बच गया ये वाला और ये वाला, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वाला तो कट गया तो एक बटे दो बचा और डी एक्स बचा, ठीक है। प्लस अब बच गया ये एक बटे दो, कितना बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। इतना सारा हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका तो आराम से अवकलन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं हो पाएगा, इस नीचे वाला मानूंगा तो ऊपर वाला हो जाएगा सिंपली, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा माइनस कॉमन कर लेंगे पहले, वन बाय टू डी एक्स है तो डी एक्स, यहां से हम माइनस कॉमन करेंगे तो हाई प्लस वाला माइनस वाला ये प्लस में आई प्लस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस को, ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन करेंगे, ऊपर कितना था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस वाला को पहले ले लेंगे और ये साइन वाला को बाद में, यानी इतना लिख सकते हैं, और ये माइनस हुआ यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या बना देगा माइनस बना देगा, समझिए वही काम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इतना कर दिए एक बटा दो है तो एक बटा दो, अब क्या कर दिया कॉस प्लस में हो जाएगा और ये साइन माइनस में हो जाएगा, हमने ऊपर से माइनस कॉमन करके बाहर माइनस ले लिया था, प्लस था तो माइनस हो गया, और बटा कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये हमने कर दिया, और डीएक्स है तो डीएक्स, राइट। अब हमने ये काम कर दिया, अब इसके बाद थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं ऊपर से और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब नीचे वाले को मानेंगे ना तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसको जो है ना मानेंगे, माना कितना मानेंगे साइन प्लस कॉस एक्स को क्या मानेंगे हम, टी मानेंगे, ठीक है, बराबर टी, राइट। अब टी मान लिया, अब क्या करेंगे, जब अवकल करिएगा दोनों तरफ तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स और बराबर हो जाएगा डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इतना सारा हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर है ना डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे हम डी टी रख देंगे और नीचे वाले को हम टी माने तो उसको हम भर देंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। थोड़ी सी आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटाता हूँ। चलिए अब यहाँ पे ये आई बराबर जो आया था कितना था एक बटे दो, पहले लिख देंगे एक बटे दो, और यहाँ पे डी एक्स है डी एक्स एक बटे दो, और देखिए ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे कितना रखेंगे डी टी रख देंगे, और ऊपर कुछ नहीं तो एक, ये नीचे वाले को हमने क्या माना है टी, ओके आगे बढ़ेंगे तो वन बाई टू ये डी एक्स है, ठीक है। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे, वन बाई टू आई डी एक्स का हो जाएगा एक्स माइनस वन बटे टू लॉग टी प्लस सी, अब हम क्या करेंगे एक बटे टू एक्स वन बाई टू और ये लॉग और टी का मान क्या माने थे साइन प्लस कॉस, तो साइन एक्स लिख देंगे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, हो गया, बात समझ में आ गया, यही राइट इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी तरीका से बेहतरीन तरीका से हम लोग ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे, धाय धाय, ठीक है, धुआं धुआं उड़ा देंगे। आगे देखते हैं आप 33 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। चलिए तो 33 नंबर क्या सवाल है इसको बनाएंगे हम लोग इसी तरह से, ठीक है। चलिए ये हो गया 33, ये हो गया 34, 33 को सवाल को देखते हैं। तो 33 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना लिखा हुआ है 1/1 माइनस टेन एक्स डीएक्स, ये भी एकदम 32 जैसे बनाए हैं हम लोग 32 उसी तरह से 33 को सॉल्व करना होगा, ओके। तो देखते हैं
तो एक बटे वन माइनस टेन का हम फॉर्मूला लिखेंगे साइन बटा कॉस, ठीक है हमने लिख दिया ओके। अब नीचे एक लगाया, एक बटा और कॉस वन का लघुत्तम कॉस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे से क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा ना, ये कॉस नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स ऊपर चला गया और बटा नीचे हो गया कौन चीज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, दो से गुना दो से भाग करेंगे, सूत्र में लाना है, एक बटा टू लिख दिया और दो से ऊपर गुना कर दिया, दो से नीचे भाग कर दिया, और नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स है तो डी एक्स ओके। अब इस कॉस को हम दो बार लिख सकते हैं इजी तरीका से, तो लिख देते हैं, तो लिखेंगे हम तो कॉस को दो बार लिखेंगे ना, तो कॉस एक्स और एक बार हम साइन को माइनस में कर लेंगे, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम साइन को जोड़ सकते हैं, कॉस को दो बार लिखेंगे ठीक है। देखिए हमने यही काम कर दिया, और नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स है तो डी एक्स ओके। हमने क्या किया, एक बार साइन को अपना से माइनस प्लस कर दिया, चूंकि काटेंगे तो कट जाएगा ठीक है। अब देखिए एगो कॉस दो कॉस हो जाएगा, सूत्र में आ जाएगा आराम से। एक बार हम कितना क्या करेंगे, इसको इसके साथ नीचे वाले के साथ, एक बार इसको नीचे वाले के साथ कर देंगे, दो पार्टों में तोड़ देंगे। देखिए तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अबाटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स है तो डी एक्स। इसमें देखिए एक बटा दो छूटा है, एक बटा दो है, यहाँ ये लिखते चलना है, तो यहाँ भी हो जाएगा एक बटे दो, एक बटे दो होगा ना। अब क्या हो जाएगा प्लस है यहाँ ऊपर, तो प्लस देखिए वहां पे क्या लिखा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, और नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओके। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, अब इसके आगे बढ़ना है, तो इसको अगर हम मानेंगे कॉस को तो साइन माइनस साइन आएगा, और ये साइन को मानेंगे तो कॉस आएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो आराम से कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, एक बटे दो हो जाएगा और ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कौन सी डी एक्स प्लस ऊपर क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स है तो डी एक्स। अब नीचे वाले को मानेंगे हम टी, माना कितना मानते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम टी मान के चलते हैं, जब अवकल करेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और साइन का हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, अब बराबर में क्या लिखना है मेरे को, बराबर में हो जाएगा डी टी, बराबर में हो जाएगा डी टी ठीक है। तो अब देखिए इतना सारा काम कर दिए, अब इसमें से चाहेंगे तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस दे देगा, तो माइनस कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा कॉस पहले लिख देता हूँ और साइन बाद में लिख देता हूँ ठीक है, बराबर डी टी। एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं, माइनस माइनस को उस साइड भेज दे रहा हूँ, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और यहाँ पर डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। अब यही मान यहाँ पे फुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, अब यहाँ पे सवाल को भर देंगे, यहाँ पे मान भर देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए कितना है आई बराबर वन बाई टू डी एक्स प्लस कितना है ऊपर वाले को, देखिए कॉस साइन डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी रखना है, और पहले से इसमें देखिए एक बटे दो इसमें जब लगा है तो इसमें भी एक बटे दो होगा, ध्यान दीजिएगा एक बटा दो यहाँ पे भी रहेगा, तो एक बटे दो हो गया। अब क्या करना है, ये cos x plus d, देखिए cos x sin x dx के स्थान पे आपको माइनस dt भर देना है, माइनस dt भरना है, और ऊपर वाला कुछ नहीं बचा तो वन, और नीचे वाले को आपने माना था t। आगे बढ़ेंगे तो एक बटे दो और इसका x हो जाएगा और प्लस ये माइनस को बाहर खींच लेंगे तो माइनस हो जाएगा एक बटे दो और इसका हो जाएगा log t प्लस हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे तो एक बटा टू एक्स माइनस वन बाई टू लॉग
और t को आपने क्या माना था, cos x minus sin x, कर लीजिए cos x minus sin x प्लस c, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आपका हो गया आपका 33 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग 34 नंबर देखेंगे। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इसको बनाना सीखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कितना, रूट टेन एक्स बटा क्या लिखा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम टेन को मानेंगे टी, मान लेते हैं टेन को टी। ठीक है, माना टेन एक्स को हमने मान लिया टी, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, अवकल हो जाता है डी एक्स बराबर डी टी। ओके, इतना सारा चीज हो गया, सेक स्क्वायर हो गया। अब हम चाहेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर को वन बटा हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, डी एक्स बराबर डी टी। अब हम चाहेंगे तो उधर भेज देंगे, तो डी एक्स बराबर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स डी टी आ गया। ठीक है, तब हम डी एक्स के स्थान पे इतना भर देंगे उसमें। ठीक है, डी एक्स है ना, तो डी एक्स के स्थान पे यहाँ पे कितना रख देंगे, कॉस स्क्वायर डी टी रख देंगे। चलिए इसलिए भरते हैं, आई बराबर कितना हो जाएगा, टी को टेन को तो हमने माना है टी, तो यहाँ पे टी रख देंगे रूट अंडर, और बटा में क्या है, कॉस इंटू साइन बचा है ना, कॉस इंटू साइन, सॉरी साइन इंटू कॉस बचा है, साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो साइन इंटू कॉस के क्या करेंगे हम, आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या है, कॉस बचा डी, देखिए डी एक्स के स्थान पे क्या रखना है, कॉस स्क्वायर डी टी रखना है, तो कॉस स्क्वायर डी टी रख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डी टी। अब इस कॉस से कॉस को काटेंगे तो एगो कॉस बच जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम तो आई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए रूट में है बचा है टी, अब क्या है कॉस ऊपर है साइन नीचे, तो कॉस ऊपर साइन नीचे क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है कॉट, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉट को हम कैसे बदलते हैं, एक बटा टेन लिख देते हैं, एक बटा टेन लिख सकते हैं ना, सूत्र होता है ना एक बटा टेन, डी टी है तो डी टी। अब आपको पता होनी चाहिए कि रूट अंडर टी हो गया, और एक बटा टी, टी का मतलब कितना होता है, एक बटे टेन, टेन का मतलब टी, टेन का मतलब टी। अब ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब होता है टी के पावर वन बाई टू, और नीचे कितना है टी है ना, इसका गुना हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, मतलब नीचे टी है ऊपर, इसका मतलब वन बाई टी हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, टी के पावर वन बाई टू था ना, अब वन बाई टू में से जाके वन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो वन बाई टू माइनस वन डी टी। देखिए इसका पावर एक है ऊपर जाएगा, तो आधार जब सेम रहता है तो ये पावर ऊपर जाके घट जाता है, तो कितना हो जाएगा, टी के पावर माइनस वन बाई टू आ जाएगा डी टी। अब क्या हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, इसको अब हम जोड़ जाड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस वन बाई टू में प्लस वन जोड़ेंगे, ठीक है, और नीचे भी हो जाएगा टी के पावर माइनस वन बाई टू में प्लस वन, माइनस वन बाई टू प्लस वन, उसका जो पावर रहता है ना वही खाली दिखाता है, प्लस सी, प्लस सी वन, प्लस सी हो गया, मतलब जो पावर रहता है उसमें एक जोड़ दिया गया और वही पावर से नीचे भाग दे दिया जाता है, यही ना समाकलन में होता है, जो पावर में रहता है तो एक्स के पावर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा दिया हमने। अब उसके बाद कितना आएगा, वहां देखिए टी के पावर आ जाएगा आपका वन बाई टू आएगा, नीचे भी वन बाई टू आएगा, प्लस सी हो जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा, और इस टी वन बाई टू के मतलब होता है रूट टी प्लस सी। अब यहाँ पर टू और टी का मतलब टेन एक्स आपने माना था, टेन एक्स लिख दिया प्लस सी कॉन्स्टेंट, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 34 नंबर क्लियर हुआ। अब देखते हैं 35 नंबर। चलिए तो इसको मिटाते हैं, 34 भी बन गया, 35 अब एक बार में लगा। देखिए 35 नंबर क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर बटा एक्स, 35 देखिए 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा एक्स,
वन प्लस लॉग एक्स को हम मानेंगे टी, ठीक है। तो मान लेते हैं यही बराबर है, वन प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे, तो वन का तो जीरो हो जाएगा, लॉग एक्स का वन बटा एक्स हो जाएगा, डी एक्स है तो डी एक्स डी टी। अब इसलिए ये मान भर देंगे आई बराबर में, ऊपर वाले को हमने टी माना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एक बटा एक्स ऊपर कुछ नहीं देख है, एक बटा एक्स और डी एक्स का मतलब एक बटा एक्स, एक बटा एक्स डी एक्स का मतलब कितना हो जाएगा डी टी, ठीक है। बटा में कुछ भी अब नहीं बच रहा है, अब क्या करेंगे टी के पावर एक हो देंगे हम, बटा टू प्लस वन प्लस सी, टी के पावर थ्री बटा थ्री प्लस सी। अब क्या करेंगे मान वहां से पुट कर देंगे, तो वन प्लस कितना आया था, वन प्लस लॉग एक्स माने थे ना टी के जगह पे, पावर थ्री बटा थ्री प्लस सी, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल को क्या करेंगे, धुआं धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। तो अब हम ये 35 नंबर का जवाब